दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में इस वक्त मैं मौजूद हूं और एक एकता का पैगाम दिवाली के दिन यूनाइटेड अगेंस्ट हेट की तरफ से दिया गया है। जहां नफरत भरा माहौल लगातार बनाने की कोशिश की जा रही है, तो वहीं हमारे बीच कुछ ऐसे भी लोग हैं जो एकता का पैगाम दे रहे हैं। तमन्ना पंकज हमारे साथ मौजूद हैं, तो उन्हीं से जानेंगे जो माहौल लगातार मैम बनाने की कोशिश की जा रही है और ये एक एकता का पैगाम जो आज दिया गया है, कैसे देखती हैं? हमने हमेशा कोशिश करी है, जैसे हमने ईद पे भी अपना कार्यक्रम किया था यहीं सीपी में, जहाँ पे हमने कोशिश किया था कि हम ईद के पर्व को सबके साथ मनाएं। आज यही हमने दिवाली पे कोशिश करी है कि हम एक सेकुलरिज्म का जो हम एक मैसेज पहुंचाएं कि हम दिवाली सबके बीच में जाके मनाएं। दिवाली की जो रीतियां हैं, ऐसे दीप जलाना या रंगोली बनाना, इसमें सब हमारे साथ पार्टिसिपेट करें, चाहे कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो। तो छोटी छोटी हमारी कोशिशें हैं जिससे शायद बहुत बड़ा फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन एक कहते हैं ना, छोटे छोटे आपके एफर्ट से ही कुछ अच्छा होने का आपका एक इच्छा एक हम सोच सकते हैं, हो सकता है कभी कामयाब हो, है ना। और जो नफरत का माहौल फैल रखा है उसमें हम कुछ अच्छा प्यार का माहौल फैला सके इस टाइम। मैम, लगातार ये भी देखा गया है कि मेन स्ट्रीम मीडिया की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं, हिंदू और मुसलमान की डिबेट में बांटा जा रहा है, तो कैसे देखते हैं आप इस माहौल को? मेन स्ट्रीम मीडिया जो पूरा मीडिया है वो तो कहीं ना कहीं हमारा पेड मीडिया है इस टाइम पे, और जैसा जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके द्वारा मैनेज करा हुआ मीडिया है, तो उनका जो मेन एजेंडा रहता है वो राम मंदिर, हिंदू मुस्लिम यही रहता है, और उसमें भी नफरत फैलाने का ज़्यादा है, सेकुलरिज्म को फैलाने का कम है ना। जो हमारी भारत की जो खासियत है, हमारी भारत का जो एक मूल रूप है, वो हमारी डाइवर्सिटी है, जो हमारे रिलीजन्स में, हमारे कल्चर में, उसको तो ये लोग पूरा ख़राब ही कर रहे हैं। मीडिया का मेन रोल है जो एक अच्छा काम कर सकता है इस टाइम पे, आप जैसे कुछ लोग ही हैं जो एक पॉजिटिव वर्क कर रहे हैं इस टाइम पे, तो मीडिया से तो इस टाइम कोई होप है नहीं हम लोग को। दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और एक एकता का पैगाम देने की कोशिश यूनाइटेड अगेंस्ट हेट की तरफ से की गई है। तो कुछ युवा भी हमारे साथ मौजूद हैं, वो किस तरीके से देखते हैं आज के सिनेरियो को, तो उन्हीं से जानते हैं। मैम, जिस तरीके का आज एकता का पैगाम दिया गया है, तो कैसे देखती हैं आप? यहाँ मतलब हमने ये सब ऑर्गेनाइज प्यार और मोहब्बत बढ़ाने के लिए किया है। हम लोग यूनाइट हो जाएं, हम सब एक हो जाएं, प्यार और खुशी बढ़ाने के लिए किया है, जिससे हमारे पूरे वर्ल्ड में, हमारी इंडिया में हैप्पीनेस होए। जैसे लगातार देखने को भी मिलता है कि हिंदू और मुसलमान में एक राजनीति बनाई जा रही है और ये बताने की बार बार कोशिश की जाती है कि आप हिंदू हैं, ये मुसलमान हैं, तो इनके साथ नहीं रहना, तो कैसे देखते हैं कि अपने माहौल में ऐसा है या जहाँ आप रहती हैं वहाँ कुछ इस तरीके का माहौल है? नहीं, जहाँ तक कि मेरे माहौल में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पे ऐसे भी लोग हैं जो यूनाइट रहते हैं, यूनाइटेड होके रहते हैं, और हमें यूनाइटेड ही रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा हमें करना नहीं चाहिए, और मेरे माहौल में ऐसा कुछ नहीं है। तो दिवाली पर आप किसी अपनी फ्रेंड के यहाँ जाती हैं और ईद पर वो लोग आपके पास आते हैं? जी बिल्कुल जाते हैं, हम लोग स्वीट्स भी लेकर जाते हैं, हम लोग बोनस भी देते हैं अपने वर्क का, अगर हम कुछ करते हैं हम स्वीट्स भी बांटते हैं, चाहे दिवाली हो चाहे ईद हो। तो मैम, जिस तरीके का आज एकता का पैगाम दिया गया है, कैसे देखते हैं आप इस मौके? ये दिस इज़ ऑल डन बिकॉज ऑफ द लव एंड हार्मनी, टू स्प्रेड अ मैसेज फॉर अ लव एंड हार्मनी, नथिंग एल्स, एंड दिस इज़ अ वेरी गुड आइडिया फॉर स्प्रेडिंग अ मैसेज टू डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, फॉर यू नो समवन लाइक नैरो माइंडिंग्स आर प्रेजेंट इन आर सोसाइटीज, तो उनको हम लोग ये बताने के लिए कि ऐसे हमें नहीं देखना चाहिए किसी को भी, हमें सबको एक उससे देखना चाहिए, वी हैव टू लिव फॉर अ ह्यूमैनिटी, नॉट फॉर अ रिलीजन, कास्टिज्म एंड ऑल। मीडिया की भूमिका पर भी सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा है, एक एंकर हैं अंजना ओम कश्यप, वो हिंदू और मुसलमान में बांटने की कोशिश लगातार कर रही हैं, आप भी एक महिला हैं, तो वो जो ये कदम उठा रही हैं, कैसे देखती हैं आप? आई थिंक रिलीजन जैसी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, अगर है तो उसको आपको अपने उसके लिए फॉलो करो, किसी और के लिए आप उसको फोर्स मत करो, एनफोर्समेंट नहीं चाहिए, हमें उसको देखना है और रहना है, साथ में रहना है, वी ऑल नो दैट वी हैव टू लिव टुगेदर, इंडिया इज़ अ डाइवर्स कंट्री,